हेलो क्लास, हे उज्ज्वल सर, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत स्वागत है बच्चों उज्ज्वल सर के इस फिजिक्स के क्लास में। दिस इज बच्चों 12th क्लास, ठीक है। 12th क्लास में हम लोग उपस्थित हैं अभी, और बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का चैप्टर। बच्चों प्रकाश का 12th में जो प्रकाश का चैप्टर है बच्चों, उस प्रकाश के जो बच्चों किरण प्रकाश की का जो चैप्टर है, ठीक है, उसका मैं आज नया लेक्चर लेके आ चुका हूं, जिस टॉपिक का नाम है 9.5.1, और इस टॉपिक का नाम है बच्चों गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्धन। ओके बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग समतल, किस पर? समतल पृष्ठ पर अपवर्तन समझ चुके हैं, ठीक है बच्चों, ओके समतल पृष्ठ पर अपवर्तन को समझ चुके हैं बच्चों। अब हम लोग अब अपवर्तन किसी दो माध्यमों में बना गोलीय पृष्ठ, ठीक है बच्चों, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन जानेंगे ठीक है। ओके बच्चों कोई दिक्कत? माध्यमों में बना गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन जानेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों देख लीजिए, हमारे पास गोलीय पृष्ठ कैसे हो सकते हैं बच्चों? दो पाक रीति के, एक तो अवतल और दूसरा उत्तल, बहुत अच्छे से पता है आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जो ना उत्तल सतह है, तो बच्चों ये हमारा पहला माध्यम हो गया, और ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया, जिसको मैंने इस तरीके से समझिए दूसरा माध्यम से भर रखा है। तो ये पहला और दूसरे माध्यमों के बीच में फंसा हुआ है गोलीय पृष्ठ, जिस पर हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, ठीक है ना, समझ गया ना बच्चों? बिल्कुल। उसके बाद बच्चों इस पर जो हम लोग अपवर्तन देखने वाले हैं, उसमें बच्चों ये जो हमारा जो गोलीय पृष्ठ होगा वो क्या होगा बच्चों, है ना, क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि ये गोलीय पृष्ठ जिस भी गोले का भाग होगा बच्चों, उसके जो सेंटर होंगे बच्चों, उस सेंटर से लेके, और आपको पता है इस वक्रीय पृष्ठ का कोई ना कोई बच्चा मूल बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव से सी के बीच का जो बच्चों दूरी होगा, उस दूरी के मुकाबले बच्चों हम लोग ये जो द्वारक लेंगे ना, वो क्या लेंगे, बहुत ही छोटा लेंगे, और उससे अपवर्तन देखेंगे, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र, ठीक है बच्चों, अपवर्तन सूत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे, समझ रहे हैं। और बच्चों क्या है कि जो हमारा इससे जब हम लोग को जो है ना अपवर्तन का जो सूत्र मिल जाएगा, तो फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि दो, ठीक है ना, दो गोलीय पृष्ठ के मध्य, ठीक है बच्चों, पारदर्शी माध्यम को रखकर, ठीक है ना, क्या बनाएंगे लेंस बनाएंगे, ठीक है, बनाओ लेंस बनाएंगे दो गोलीय पृष्ठ। और बच्चों जरूरी नहीं दो गोलीय पृष्ठ हो बच्चों हमारा, बल्कि लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बनता है बच्चों, ठीक है ना। देखिए, या तो
इस तरीके से दो पृष्ठ हो, इन दो पृष्ठों के बीच बच्चों क्या बंद हो, पारदर्शी माध्यम बंद हो, तब इस पारदर्शी माध्यम के साथ दो गोलीय पृष्ठ के बंद निकाय को हम लोग बच्चों लेंस बोलते हैं, ठीक है। या लेंस बच्चों दोनों गोले ना होकर के एक समतल और एक गोला हो सकता है और इसके बीच में पारदर्शी माध्यम बंद हो सकता है, तो यह भी बच्चों हमारा एक प्रकार का लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बच्चों हम लोग अब लेंस से अपवर्तन देखेंगे, जब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन देख लेंगे और उसका सूत्र ज्ञात कर लेंगे तो फिर हम लोग किससे देखेंगे, किसे देखेंगे बच्चों, कि लेंस से अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना से, लेंस से अपवर्तन की घटना से बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला, कौन सा, लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करेंगे बच्चों। और फिर इस लेंस मेकर सूत्र से बच्चों हम लोग लेंस सूत्र ज्ञात करेंगे, लेंस मेकर सूत्र और लेंस सूत्र बच्चों अलग है, लेंस सूत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे। जिस तरह से बच्चों आपको गोलीय पृष्ठ से परावर्तन का सूत्र मिला था, क्या मिला था गोलीय पृष्ठ से परावर्तन का सूत्र, तो बच्चों 1/f = 1/v + 1/u यही मिला था, ये गोलीय पृष्ठ से परावर्तन का सूत्र था बच्चों, ठीक है ना, 1/f = 1/v + 1/u ये गोलीय पृष्ठ से परावर्तन का सूत्र था, है ना। हम लोग बच्चों यहां पर पहले लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करेंगे और फिर उसे लेंस सूत्र ज्ञात करेंगे, कुछ ऐसा ही हो सकता है कहीं देखने को मिले, वो हम लोग बाद में चल के देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब भूमिका आपको समझ में आ रही है, इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, समझ रहे हैं आप, लेंस क्या था वो देख लिया आप भैया, दो गोलिये या फिर एक गोलिये एक समतल पृष्ठ के मध्य बंद पारदर्शी माध्यम के निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लेंस कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बच्चों। लेंस भी बच्चों हमारे अनेक प्रकार के होंगे, ठीक है ना, लेंस भी हमारे अनेक प्रकार के होंगे, एक तो बच्चों हमारे पास उत्तल लेंस होगा और दूसरा बच्चों हमारे पास कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा, यह भी दो प्रकार का होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस बच्चों, ये दो प्रकार के होंगे बच्चों। ये जो उत्तल लेंस होते हैं ना, इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कौन सा लेंस कहेंगे आप, अभिसारी लेंस कहेंगे इसको, ठीक है। और जो बच्चों ये अवतल लेंस होता है इसको बोलो बच्चों हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो लेंस के लिए हम लोग बच्चों लेंस मेकर सूत्र और लेंस सूत्र देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे हम लोग आगे चल के। तो क्या मैं इसको मिटाऊं, जो आपको मैंने यहां समझाया वो समझ में आ गया होगा, बोलिए हाँ या ना, चलिए ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसके अब ये टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है, बस जस्ट वेट करें, जितना इसको समझाया है तब तक आप रिविजन कर लें, ठीक है, जो जितना मैंने यहाँ पे बताया है उसको थोड़ा देख लें आप, तब तक समझ जाएं, है ना, बिल्कुल पीछे करके तब तक उसको देख लें, जब तक मैं यहाँ मिटा रहा हूँ तब तक, है ना, तब तक आप वीडियोज को पीछे करके बच्चों देख लें, पीछे वाले के बारे रिविजन कर लें, है ना, तब तक मैं यहाँ पे बोर्ड मिटा रहा हूँ। जस्ट अभी आपके पास वापस आया बच्चों, और इस 9 बच्चों इस 9.5 में हम लोग 9.5.1 टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, 9.5.1 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम क्या है, नाम है बच्चों 9.5.1, जिसका नाम क्या बच्चों, किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ठीक है बच्चों, किस पृष्ठ से, गोलीय पृष्ठ से, ओके, कोई भी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन बच्चों। तो हमने ले लिया एक गोलीय पृष्ठ, कोई भी ले लीजिए आप, कौन सा ले लीजिए, मानिए हमने एक जो है ना एक उत्तल गोलीय, ठीक है बच्चों, पृष्ठ से, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, अपवर्तन देखेंगे, उसके लिए सूत्र ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्तल अवतल का कैसा हो सकता है बच्चों, है ना।
अब देखिएगा क्या कि बच्चों ये जो गोलीय पृष्ठ होंगे जिसका त्रिज्या, इस गोलीय पृष्ठ का त्रिज्या, ठीक है ना, गोलीय पृष्ठ का त्रिज्या बोल बच्चों हम लोग कैपिटल आर के बराबर ले लेंगे, ठीक है। उसका जो केंद्र होगा बच्चों, इस गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसको हम लोग सी से दिखा देंगे, ठीक है। और बच्चों इसमें इस गोलीय पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए है ना, इस पृष्ठ के, इस पृष्ठ के लिए, ठीक है, जो बिंब का, बिंब कहे बच्चों या फिर वस्तु कहे, बिंब कहे या फिर वस्तु कहे है ना, वस्तु को U, ठीक है ना, इस पृष्ठ के लिए बिंब को, ठीक है, बिंब को ध्रुव, ध्रुव जानते हैं बच्चों, इस गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो इस पृष्ठ के लिए बिंब या वस्तु को ध्रुव से U दूरी पर किसी बिंदु, किसी बिंदु O पर रखते हैं, किसी बिंदु O पर रखते हैं, ठीक है, ओके बच्चों। जिसका प्रतिबिंब, ठीक है ना, जिसका प्रतिबिंब, ठीक है ना, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब बच्चों आई बिंदु पर बनता है, आई बिंदु पर बनता है, ठीक है ना, आई बिंदु पर बनता है, यह ध्रुव से, यह ध्रुव से भी दूरी पर रखा जाता है, भी दूरी पर रखा जाता है बच्चों, ठीक है, ओके। या फिर जो ये हमारे पास प्रतिबिंब है आए, यह कहे कि ध्रुव से भी दूरी पर प्राप्त होता है, ठीक है ना, भी दूरी पर प्राप्त होता है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, बना दिए, ये लीजिए हमने बना दिया, क्या बना दिया हमने बच्चों, एक गोलीय पृष्ठ बना दिया, बोलिए हाँ या ना, क्या बना दिया हमने, एक एक बच्चों हमने गोलीय पृष्ठ बना दिया, ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिए बच्चों, देखिए हमने बच्चों एक गोलीय पृष्ठ बना दिया, ठीक है, और इस गोलीय पृष्ठ का, ठीक है ना, इस गोलीय पृष्ठ का जो बच्चों दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक म्यू टू दे दिया, ठीक है बच्चों, ये समझ आइए कि इधर जो है अपवर्तनांक क्या है, म्यू टू वाला माध्यम है, और इधर अपवर्तनांक म्यू वन वाला माध्यम है बच्चों, ठीक है। यहां पर हमने एक मुख अक्ष खींचा, मुख अक्ष क्या होगा बच्चों, मुख अक्ष क्या होगा, इस है ना गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे, और उस ध्रुव एवं इसकी जो वक्ता के दैर्ध्य होंगी बच्चों, उसको मिलाने वाली रेखा क्या होंगी, ध्रुव होगी, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो इसको भी आप थ्योरी में शामिल कर सकते हैं बच्चों, क्या कि गोलीय पृष्ठ दे जाए, ठीक है, इस पृष्ठ के लिए बिंब वस्तु को ध्रुव से यू दूरी पर, यू दूरी पर मुख अक्ष के ऊपर किसी बिंदु, यू दूरी पर, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर किसी बिंदु O पर रखते हैं, ऐसा थ्योरी सजा दीजिएगा बच्चों, सजा देंगे, चलिए ऊपर रख दिया मैंने किसी वस्तु को बच्चों, ठीक है ना, और उसको बच्चों हम लोग वो जो वस्तु लेंगे ना, बिल्कुल एक बिंदुवत लेते हैं, ठीक है ना, एक बिंदुवत को वस्तु लेते हैं जो कि O बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। यहां से दो आपतित किरण लेंगे, एक इस दिशा में और एक बच्चों इस दिशा में लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस दिशा में लेते हैं आपतित किरण बच्चों। इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब कैसा होगा, तो बच्चों इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा के बिल्कुल बिल्कुल, इस स्पर्श रेखा के बिल्कुल लंब जो है इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, ठीक है ना बच्चों। जिस बिंदु पर आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं, है ना, जिस बिंदु पर आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं, उस बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा के लंब वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं, है ना, यही हमारा क्या है बच्चों, अभिलंब है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है बच्चों, इस बिंदु पर अभिलंब है, बोलिए हाँ या ना, अभिलंब है।
इस अभिलंब के साथ ही आपतित किरण बच्चों जितना भी कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण। बोलिए हाँ या ना। अब बच्चों हम कहेंगे कि जो म्यू टू है बच्चों वो म्यू वन से ज्यादा है, जिसके कारण ये जो प्रकाश है बच्चों किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है। अब ये बिंदु और बच्चों ये जो आपतित प्रकाश है जो पी बिंदु पर आ रहा है, उस पी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, उस स्पर्श रेखा के बिल्कुल लंब जो है बच्चों यही रेखा है, तो यही इस बिंदु पर अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जो है बच्चों 0 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 0 डिग्री का कोण बनाता हुआ बिल्कुल इसी रेखा पर कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। बोलिए हाँ या ना। आगे जाकर के इस बिंदु पर बच्चों अपवर्तन के लिए भी अपवर्तन वाली प्रकाश के कारण जो बच्चों प्रतिबिंब बनेगी, उस प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए भी कितने किरण चाहिए मुझे, 2 अपवर्तित किरण चाहिए, मिल गया मुझे और ये हमारा आई हो गया। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अब बच्चों ये आई बिंदु जो है यही ध्रुव से किस दूरी पर है, भी की दूरी पर है, ठीक है। बच्चों ये जो सी है हमारा वो ध्रुव के साथ किस दूरी पर है, आर की दूरी पर है, ठीक है ना बच्चों। और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ध्रुव से वह किस दूरी पर है, यू की दूरी पर है। कोई दिक्कत आपको दिख रहा है मस्त बच्चों। जिस बिंदु पर आपने आपतित किया प्रकाश को उसका नाम एन दे दीजिए, क्या दे दीजिए एन। और इस एन से बच्चों जो लंब डालेंगे मुख अक्ष पे उसका नाम दे दीजिए एम, ठीक है बच्चों। और हम लोग यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन डालेंगे कि जो हमारा जो एन एम का दूरी एन पी के बराबर हो इसलिए गोलीय पृष्ठ का द्वारक, इसलिए गोलीय पृष्ठ का द्वारक बच्चों द्वारक अल्प लेंगे। ये अल्प क्यों लेंगे, ये आपको समझ में आ गई, क्यों लेंगे द्वारक अल्प, ये द्वारक बच्चों अल्प छोटा सा लेंगे। क्यों लेंगे द्वारक छोटा, क्योंकि मुझे एन एम बच्चों ये एन है और ये एम है, ये जो बच्चों एन एम दूरी है वो मुझे किसके बराबर लेना है, एन पी के बराबर। तो बच्चों ये दूरी और ये दूरी बराबर तब होगा जब आपका ये द्वारक क्या हो, छोटा हो। समझ रहे हैं, ये फिगर आपको ज्यादा जो है घिसा पिटा लग रहा है क्या, तो कोई बात नहीं, फिर से हम बना देंगे, आप चिंता मत किया करें, फिर से हम आपको बना के दिखा देंगे, ठीक है। बस आप इस थ्योरी को समझे एक एक करके, समझ गए आप बच्चों। यहां पर द्वारक छोटा लेने का जो है एक और कारण है, वो क्या है कि हमारे, ठीक है, और दूसरा कारण है और द्वारक अल्प लेने का बच्चों, और द्वारक अल्प लेने का, ठीक है ना, अल्प लेने का दूसरा कारण ठीक है, इस चित्र में ठीक है बने कोण ठीक है ना, लघु या फिर कहे तो अल्प कोण के सन्निकटन माने जाए बच्चों, ठीक है ना, सन्निकटन माना जाए, ठीक है, सन्निकटन माना जाए बच्चों। इसलिए हम लोग ये द्वारक छोटा लेंगे, अल्प लेंगे। बोलिए सब समझ में आ रहा है, ये थ्योरी समझ में आ गई, ये सारी थ्योरी लिख दीजिएगा आप। चलिए इस फिगर को बच्चों लोग दोबारा मिटा करके मैं दोबारा बनाता हूं एकदम एक अच्छा वाला फिगर, ठीक है। आप चिंता मत करें, वीडियो लंबा हो रहा है तो आप जो है बच्चों, और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, तो आप ही के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना चाहिए, अगर आपको समझ में आती है तो जम आनंद ले सभी टॉपिकों का, ठीक है, ओके। ये बिल्कुल इतनी मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, तो फिर आप, और बनाना फिगर मुझे है तो फिर आपको जो है ना ज्यादा तकलीफ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप बस इंतजार करें, ठीक है। तब तक आप वीडियोज को बिल्कुल रिविजन कर ले पीछे ले जाके, तब तक मैं मिटा रहा हूं, है या नहीं है, तो आप जाकर के क्या कर ले, रिविजन कर ले। कौन तो कह रहा है सर ये वीडियोज रिकॉर्डेड है, सर दीजिए ना आपको, मैं आगे बढ़ा देता हूँ, अब खत्म। अब बताइए कौन सुनेगा आपका इतना देर बकवास, तो ये भी कर सकते हो बच्चों,
वीडियोज को फटाफट आगे कर लीजिए मेरे मिटाने वाले जो है ना स्लाइड को। ओके ये लीजिए पूरा बोर्ड मिट चुका है, अब हम लोग न्यू फिगर बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों ये मैंने द्वारक लिया, ठीक है ये लीजिए मैंने प्रकाश आपतित किए। ठीक है बच्चों यहां से मैंने लंब डाला, लंब डाला बच्चों ये हमारा सी हो गया, ठीक है ये हमारा पी हो गया, ठीक है यही हमारा क्या था आर था बच्चों। यहां से मैंने प्रकाश को मोड़ दिया, ठीक है ये हमारा क्या हो गया बच्चों आई हो गया, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया ये भी हो गया, बोलिए हाँ या ना। और बच्चों यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया बच्चों यू हो गया। बच्चों आपको मुझसे प्रेरणा लेनी चाहिए क्या कि बताइए मैं एक ही फिगर को दोबारा बना रहा हूं कितना मेहनत लग रहा होगा। मैं भी चाहता हूं जल्दी से आपका वीडियो खत्म हो जाए, तो पेशेंस रखें आप, है ना। ये बच्चों हमारा क्या हो गया एन हो गया, यहां से हम लोग लंब डालेंगे बच्चों तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो पी और एम है यहां पी एवं एम एम लगभग संपाती है ऐसा कह सकते हैं, लगभग क्या है संपाती है, है ना बिल्कुल यह बात हमें मानना है। और बच्चों ये जो आपतित किरण है ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है आपतन कोण बना रहा है, ठीक है संपाती है। और बच्चों ये जो कोण बना रहा है वो कौन सा कोण है आपतन कोण आई, और बच्चों ये जो कोण बनाएगा वो कौन सा कोण है अपवर्तन कोण आर, बोलिए हाँ या ना। ठीक है बच्चों ठीक है ओके। अब बच्चों यहां से हम लोग चलते हैं, ठीक है चलते हैं क्या कि चित्र से टेन एंगल एंगल एन, और बच्चों इसको हम लोग ओ कहते हैं एन ओ एम एंगल एन ओ एम बराबर। बच्चों हम पहले कह चुके हैं कि ये दूरी हम लोग इसके बराबर मान सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। तो टेन थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा लंब और बटा में आधार, तो लंब कितना है एन एम के बराबर और बटा में आधार कितना हो जाएगा बच्चों ओ एम ले लीजिए कोई दिक्कत ये फर्स्ट समीकरण। बच्चों इसी प्रकार आप चित्र से टेन टेन एन सी एम ले लीजिए एंगल एन सी एम बराबर। बच्चों इस ट्रायंगल के लिए जो है ना ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है ना। तो टेन एंगल मैं पीछे लिख देता हूं बच्चों ट्रायंगल ट्रायंगल ओ एन एम सी, ठीक है बच्चों मैं यहां भी लिख देता हूं ट्रायंगल एन सी एम से एन सी एम से टेन एंगल एन सी एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों लंब, लंब क्या है एन एम और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों सी एम, ये सेकेंड समीकरण, ठीक है। फिर बच्चों ट्रायंगल एन आई एम से ट्रायंगल एन आई एम से, ठीक है टेन एंगल एन आई एम बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों लंब क्या है एन एम और बटा में आधार, आधार क्या है बच्चों आई एम भी लिख सकते हैं आप आई एम, ठीक है ये क्या हो गया हमारे पास थर्ड समीकरण। ठीक है बच्चों क्योंकि हमने इस दर्पण का बच्चों द्वारक छोटा लिया है इसीलिए हम लोग यहां पर सभी कोण ठीक है अल्प कोण के सन्निकटन ले सकते हैं बच्चों, है ना सन्निकटन ले सकते हैं ओके सन्निकटन ले सकते हैं बोलिए हाँ या ना। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो टेन थीटा बच्चों किसके बराबर में होता है थीटा के बराबर में, टेन एंगल किसके बराबर हो जाएगा सीधा एंगल के बराबर। बच्चों हम लोग यहां से लिख सकते हैं एंगल एन ओ एम बराबर क्या हो जाएगा एन एम बटा में ओ एम, ये हमारे पास बच्चों यही फर्स्ट समीकरण ही रह जाएगी ये वाला बच्चों ये टेन ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा दिस एंगल, तो ये हो जाएगा बच्चों एंगल एन सी एम एन सी एम बराबर में क्या हो जाएगा एन एम बटा में सी एम एन एम और बटा में सी एम, ये बच्चों हमारा सेकेंड समीकरण। और बच्चों फिर ये थर्ड समीकरण क्या हो जाएगा ये टेन एंगल जो है वो सीधा एंगल के बराबर हो जाएगा,
तो एंगल एन आई एम बराबर एन एम बटा में आई एम है ना, एन एम और बटा में आई एम, ये बच्चों हमारा थर्ड समीकरण ही रह जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों आई जो है हमारा वो ट्रायंगल ट्रायंगल ओ एन सी के लिए, ठीक है ना, ट्रायंगल ओ एन सी के लिए जो बच्चों आई है वो बहिष्कोण है। ट्रायंगल ओ एन सी के लिए एंगल आई है ना बहिष्कोण है बच्चों, है ना बहिष्कोण है। बोलिए हाँ या नहीं है बच्चों, बोलो 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 बच्चों। ये जो हमारा एंगल आई क्या है, क्या है, क्या है बच्चों, बहिर्स्कोण है या नहीं है, बाहर का कोण है, ठीक है बहिर्स्कोण है बच्चों। थोड़ी सी हिंदी हमारी वीक है ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे ना, इसलिए थोड़ी सी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो बहिर्स्कोण है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बहिर्स्कोण के लिए कि एंगल आई बराबर में बच्चों बाह्य कोण होता है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर, ठीक है ना। तो बच्चों दैट मीन्स कह सकते हैं कि एंगल एन ओ एम, एंगल एन ओ एम प्लस एन सी एम, एंगल एन सी एम के बराबर। बोलिए हाँ या ना बच्चों, तीन समीकरण आप बना चुके हैं, इसका नाम क्या है, चौथा। अब इसके अंदर वाले को मिटा दूं मैं, चलिए ये सब डेरिवेशन का पार्ट है बच्चों, ठीक है समझिएगा समझिएगा आप थोड़ा सा एकदम गौर से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि अब ट्रायंगल ट्रायंगल एन आई सी, ट्रायंगल एन आई सी से, एन आई सी से बच्चों उसके लिए ये वाला जो कोण है एन सी एम है ना, अब ट्रायंगल एन ए सी के लिए एंगल एन सी एम, एन सी एम ठीक है ना, के लिए एंगल एन सी एम ठीक है बहिर्कोण है बच्चों, ठीक है ना, क्या है बहिर्कोण है, ठीक है ना बहिर्कोण है, ओके। तो बच्चों इसका मतलब हो गया कि एंगल ऑफ एनसीएम, एनसीएम बराबर में क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण के योग के बराबर में, दोनों विपरीत कोणों के योग के बराबर में, बोलिए हाँ है ना। तो बच्चों इसका मतलब हो गया कि एंगल ऑफ सी एन आई प्लस एंगल ऑफ एन आई सी, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं बच्चों क्या कि ये एंगल, ये एंगल तो सी एन आई प्लस एन आई सी बोल दे बच्चों, या फिर एन आई एम भी बोल सकते हैं इस वाले कोण को, एन आई एम तो प्लस एंगल एन आई एम भी बोल सकते हैं बच्चों, बोलिए हाँ है ना। तो बच्चों यहां से जो ये कोण है इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, जो कह सकते हैं कि सी एन आई है बच्चों, जो सी एन है वो किसके बराबर में है, आर के बराबर में, प्लस ये एन आई एम बच्चों नहीं पता मेरे को, इसको इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो क्या बन जाएगा एंगल ऑफ एन सी एम माइनस माइनस क्या एंगल एन आई एम बराबर में, और सी एन आई क्या था बच्चों आर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है वेट कीजिएगा बच्चों वेट कीजिएगा। बच्चों इसका नाम हमने दे दिया कौन सा समीकरण, फिफ्थ समीकरण, फोर्थ समीकरण यहां मिला था मुझे। अब क्या करेंगे बच्चों कि स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से हमें पता है क्या होता है म्यू वन साइन आई बराबर में म्यू टू साइन आर
क्योंकि बच्चों आई एंड आर एंगल जो है वह ठीक है अल्पकोण है। कैसे कोण है? अल्पकोण। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों म्यू वन साइन आई किसके बराबर में? सीधा आई के बराबर में। और बराबर बच्चों म्यू टू और गुना में साइन आर किसके बराबर में? आर के बराबर में। बोलिए हाँ या ना? होगा। इस समीकरण का नाम बच्चों क्या? छ। अब क्या करेंगे बच्चों? चार और पांच को ला के रखेंगे किसमें? छ में। ठीक है ओके। फिगर और मिटा दिया बजा बच्चों, मिटा देते हैं। फिगर की कुछ बातें हमें काम आएंगी तो वो हम लोग ध्यान कर लेंगे। ठीक है वो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान कर लेंगे। अभी ध्यान से देखिएगा बच्चों डेरिवेशन। ठीक है जिसको समझ में आ जाए वो छोड़ सकता है ना। तो समीकरण चार एवं पांच को छ में रखें तो बच्चों क्या आ जाएगा? म्यू वन और गुणा में आई। आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? तो आई का वैल्यू समीकरण नंबर चार से आया था है ना। आई का वैल्यू समीकरण नंबर चार से आया था कितने के बराबर में आया था? तो आया था बच्चों हमारा एंगल एन ओ एम प्लस एंगल एन ठीक है एन सी एम के बराबर है ना। एंगल एन ओ एम प्लस एन सी एम के बराबर में बराबर। और ये बच्चों कहां से ले जाएंगे? ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि म्यू वन सबके साथ गुना है। फिर म्यू टू बच्चों, ये म्यू टू। और आर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आर आपका ये आया है एंगल ऑफ एन सी एम ठीक है ना। और माइनस एंगल ऑफ एन आई एम, माइनस एंगल ऑफ एन आई एम। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, इस समीकरण में लाके ये सारे कोण लाके रख देंगे तो हो जाएगा बच्चों म्यू वन। ये बात आप शब्द लिख लीजिएगा कि समीकरण एक दो तीन को है ना, और इसका नाम दीजिएगा बच्चों सात। फिर यहां पर लिख सकते हैं ठीक है ना, क्या कि समीकरण एक कॉमा दो कॉमा तीन को सात में रखने पर ठीक है ना, सात में रखने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा बच्चों म्यू वन अंदर में एंगल एन ओ एम। एन ओ एम क्या प्राप्त हुआ था आपको? एन एम और बटा में ओ एम प्लस। एन सी एम क्या प्राप्त हुआ था बच्चों? एन एम और बटा में सी एम बराबर। बच्चों इधर म्यू टू ब्रैकेट के अंदर क्या प्राप्त हुआ है आपको? देखिए एंगल एन सी एम, एन सी एम कहां है ये? तो मतलब क्या है? तो एन और एम और बटा में क्या? सी एम। फिर बच्चों माइनस एंगल एन आई एम क्या है? एन एम और बटा में आई एम। बोलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों? इस समीकरण में भी दोनों तरफ एन एम है, इसमें भी दोनों तरफ एन एम है, कॉमन लेकर के दोनों तरफ काट दीजिए ठीक है। चलिए इन सबको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही होगी बच्चों ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है, मैं कहता हूं बहुत ही आसान है जिनको समझ में आ रही है। तो जिनको नहीं आ रही है उनके लिए थोड़ा सा मैं बहुत ही सिंपल भाषाओं में आसान तरीके से धीरे धीरे करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ गई है वो बिल्कुल हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं ठीक है। मेरे वीडियोस को बिल्कुल वो खूब ढेर सारे स्पीड्स में वो आगे जा सकते हैं ठीक है। अभी देखिएगा बच्चों धैर्य बनाए रखें ठीक है। देखिए अब बच्चों हम क्या करें, तो यहां से हमने लिखा क्या कि एन म्यू वन बच्चों, यहां से एन एम कॉमन ले लिया हमने ठीक है। अंदर में क्या बचा? एक बटा में ओ एम प्लस एन एम तो कॉमन चला गया बच्चों, एक बटा में सी एम बराबर। यहां से म्यू टू एन एम बाहर, अंदर क्या बच्चों? वन बटा में सी एम
माइनस वन बटा में आई एम, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, ये बच्चों कैंसिल, ठीक है ओके। म्यू वन बच्चों वन बटा में ओ एम, याद कीजिए फिगर को, ओ से लेके एम तक, ओ से लेके एम तक कौन सा वाला दूरी है, स्मॉल यू वाला दूरी। लेकिन बच्चों हम लोग यहां पर जो ये हमारे पास सारी जो दूरियां हैं बच्चों, यह क्या है, यहां सभी दूरियों का परिमाण है, यहां सभी दूरियों का परिमाण है, ठीक है परिमाण है। तो बच्चों अब दूरी, अब दूरियों दूरियों को उसके चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर स्थानांतरित करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, ठीक है ना बच्चों, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके अब उस दूरियों को हम लोग स्थानांतरित करेंगे किसी अन्य मान से। तो OM हमारा क्या था बच्चों, U। आपको पता है हम लोग आपतित किरण को आगे बना रखे हैं, तो आगे वाला दिशा हमारा क्या होगा, प्लस। तो ध्रुव से हम लोग यू पीछे मापने आएंगे, देख रहे हैं ना, ओ से आप कहां आ रहे हैं बच्चों, ओ एम, या फिर एम हमारा ध्रुव पर है, तो ध्रुव पर आज से ओ पर नापने आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस वन बटा में सी एम, सी कहां था बच्चों, सी था हमारा आगे और एम पीछे है, तो एम से सी वो वाला दूरी आगे है बच्चों, सी से मापना शुरू करेंगे ना, सी से एम पर जाएंगे, यहां पर बच्चों एम से ऊपर गए थे, तो एम से वो पीछे है, ठीक है ना, और बच्चों हम लोग सी से एम पर जाएंगे ना, नहीं 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 सी से एम पर नहीं जाएंगे, एम से सी पर जाएंगे ना बच्चों, एम से मापना शुरू करेंगे और सी पर जाएंगे, जो कि आगे है दूरी, तो ये किसमें आएगा, प्लस में, तो वन बटा में, और सी एम क्या था बच्चों, आर के बराबर में, बोलिए हाँ या ना, बराबर। बच्चों यहां पर म्यू टू, म्यू टू तो म्यू टू ही रहेगा, और वन बटा में सी एम, तो बच्चों सीएम क्या है देख रहे हैं आप, वन बटा में आर, ठीक है ना, और माइनस वन बटा में आई एम, आई एम क्या है बच्चों, और आर तो आगे ही है, तो ये तो प्लस में ही होगा, है ना, ये तो आर आगे है तो प्लस में ही होगा, और बच्चों आई एम, एम से मापना शुरू करेंगे किधर की ओर, आई की ओर, ये भी आगे वाला दूरी है, एम से सी मापे थे बच्चों, ये आगे है, आगे है तो प्लस में ही रहेगा, तो वन बटा में प्लस ही रहेगा ये, तो आई एम का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा भी के बराबर में, ठीक है। इस तरह से आपको समीकरण प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत। अब बच्चों ट्रांसफर कीजिए क्या, ये देखिए म्यू वन, और बच्चों इस समीकरण को थोड़ा सा सही कीजिए, तो सही कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वन बटा में आर और माइनस वन बटा में यू, ठीक है बराबर। बच्चों इधर क्या हो जाएगा, म्यू टू और ब्रैकेट के अंदर वन बटा में आर, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस वन बटा में भी, बोलिए कोई दिक्कत। बच्चों म्यू टू को गुना करके वन बटा भी को इधर लेके आइए, और वन बटा आर को इसके साथ गुना करके बच्चों उधर ले जाइए, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त होगा आपको, बोलिए क्या प्राप्त होगा, यही कर देते हैं, देखिएगा ये क्या आपके कैमरे में आ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों आ रहे हैं, तो देखिएगा इसको गुना करके हम लोग क्या करते हैं, इधर लेके चले जाते हैं, और फिर दोनों को क्या करते हैं, तो बच्चों और इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू टू और गुना में वन बटा में आर, बच्चों ये गुना करके उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ म्यू वन और बटा में आर, और ये बच्चों हो जाएगा क्या कि म्यू टू और बटा में आर बराबर। बच्चों ये गुना करके हम लोग इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू और बटा में भी, और ये बच्चों इसी साइड रहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू वन और बटा में यू, बोलिए हाँ या ना। इसी को बच्चों दोनों के पास आर है, तो आप इसी को सीधा बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर, और बराबर में म्यू टू बटा में भी माइनस म्यू वन बटा में यू। बच्चों यही क्या है, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का समीकरण, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का समीकरण, जो कि किसके किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है बच्चों, अपवर्तनांक दूसरा, अपवर्तनांक पहला, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, एवं गोलीय पृष्ठ के वक्ता
त्रिज्या के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यह भी लिख दीजिएगा नीचे आप थ्योरी में कि यह गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का समीकरण, ठीक है ना, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का एवं पहले माध्यम के अपवर्तनांक एवं गोलीय पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, कोई तकलीफ आपको बच्चों? ये समीकरण हमारे, ये देखिए आपने गोलीय पृष्ठ के लिए उत्पन्न किया है ना बच्चों। गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, उत्तल भी और अवतल भी। आपने किस फिगर को लेके किया है बच्चों? उत्तल के लिए। लेकिन आपको याद रहे इसके नीचे लिख देंगे कि यह गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का समीकरण अवतल एवं उत्तल दोनों प्रकार के पृष्ठ के लिए वैलिड है, वैध है, और वो दोनों के लिए अवतल के लिए भी यही समीकरण होंगे और उत्तल के लिए भी यही सेम का सेम समीकरण हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों। कोई माइनस प्लस बी साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय आप इस सभी दूरियों को चिन्ह के साथ लेंगे। यह अभी नोट करके ध्यान रखिए बच्चों, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय हम लोग इन सभी दूरियों को चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक है, इन्हीं सब के साथ, बातों के साथ मैं विराम देता हूं अपने वचनों को बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आ रहा है। थैंक यू।